यह रंगीन सी सुबह और चिड़ियों के चहचहाट के साथ नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से। और बताएं कैसे हैं आप। मैं यहाँ ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह अपने अपने घरों में योगा कर रहे होंगे। देखिए मेरी शुरुआत हो चुकी है हल्के फुल्के आसनों के साथ, यानी कि बेसिक से जो एक्सरसाइज है उसके साथ मैं स्टार्ट अप कर लेती हूँ। और आप भी ऐसे ही करें, शुरुआत में आप हल्के फुल्के 5-5 मिनट सारे आसन कर लें और 5-7 आसन ही पकड़ें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अनुलोम विलोम ज़रूर करें बीच में और कपालभाति ज़रूर करें। तो हाँ जी, तो आज मैं खास आसन के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है मंडूक आसन। तो ये आगे को झुक के किया जाता है, इससे हमारी किडनी वगैरह को बहुत ही फ़ायदा मिलता है, स्टमक भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है और आपका डाइजेशन भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो गाइस आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इग्नोर करें, कुछ खट्टा ज़्यादा खाने की वजह से हल्का फुल्का गला मेरा ख़राब है, तो वॉइस ओवर के वक्त भी मेरा थोड़ा सा ख़राब ही है। तो हाँ जी, तो ये आसन मेरे शुरू हो चुके हैं। पूरे आसन करने के बाद ही मैं मंडूक आसन आपको दिखा दूँगी। और मंडूक आसन को कैसे करना है आप प्रॉपर देख लीजिए ध्यान से। हाँ जी गाइस, जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं प्रॉपर वे में एकदम पास से शूट करके भी बता दूँगी, क्योंकि अकेले ही करना होता है। तो इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि आपको प्रॉपर गाइड मिले और आप भी उसका फ़ायदा ले पाएँ। और आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि 2 वीक में कितना फ़र्क पड़ गया है मेरी बॉडी को, और फ्लफ़ी बॉडी से मेरी अभी बॉडी स्लिम होती जा रही है। वेट का तो मैं आपको बता ही दूंगी कि कितना कम हो रहा है कितना नहीं। और मैंने कोई ज़्यादा डाइटिंग नहीं की है, फूड प्रॉपर खा रही हूँ लेकिन चेंज के साथ, और वो सारे चेंज मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि डाइट फूड कैसे खाना है आपको। और अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर शामिल करें, इसी की वजह से हमारा वेट नहीं कम होता, क्योंकि हम फूड में ज़्यादातर प्रोटीन डाइट नहीं खाते हैं। ज़्यादातर जो वेजिटेरियन हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप जो प्रोटीन है वो आप सोया बड़ी में ले सकते हैं, आप दालें खा सकते हैं, मतलब बहुत ही लेस मात्रा में आप खाएं, आप पनीर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। हमें ये नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा फूड खाना है, फूड प्रॉपर लें लेकिन आपकी जो डाइट हो बहुत ही अच्छी और संतुलित हो, और मॉर्निंग में फ्रूट ज़रूर खाएं। और फ्रूट खाने से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, मॉर्निंग में एक फ्रूट कुछ भी खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, एक एप्पल खा सकते हैं, सीजनल फ्रूट भी खा सकते हैं। साथ में लिक्विड डाइट ज़रूर लें, और शाम को जैसे ठंड का समय है तो सूप वगैरह भी पी सकते हैं, उससे आपको मिनरल भी मिल जाते हैं और विटामिन्स की कमी भी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी बता रही हूँ मंडूक आसन, और मंडूक आसन को आप ध्यान से देखें। और मैंने बैठने का और उठने का पोस्चर भी आपको बताया है, बहुत से 40+ लेडीज़ को, इवन आज तो 30+ की लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा घुटनों की और वेट की प्रॉब्लम होती है। तो नीचे उठना बैठना हमारा बंद हो चुका है, हम लोग चेयर सोफ़ा वगैरह पे ही बैठते हैं। तो हम कोशिश करें कि खाना वगैरह नीचे खाएं, और बहुत ज़्यादा देर बैठना है तो हम नीचे बैठें, ठीक है। और उसके बाद में देखिए मैंने उठने का तरीका भी बताया कि 2 हाथ को एक साइड में करके हम कैसे मुड़ के उठें। ये देखिए यहाँ पे मैंने उठने का तरीका बताया है, और ऐसे उठने से आपके घुटनों पे ज़रा भी वज़न नहीं पड़ेगा। और ये है बैठने का तरीका, जो आपके घुटनों में पेन है आप इसको धीरे धीरे करें और कम समय के लिए करें, क्योंकि आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द बढ़ सकता है। और एक्सरसाइज के दौरान सप्ताह में एक बार बॉडी पे पूरे तेल लगा के और मसाज भी करें, मसाज से आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा और पेन्स भी कम होंगी। तो इस वक्त में तिल के तेल की मालिश की, हाँ जी, तो योगा हो चुका है और थोड़ी देर अभी बाहर बैठते हैं, उसके बाद शावर ले लेते हैं।
देखिए आज का मौसम भी बहुत अच्छा वाला है। अभी दिखा लेती हूँ आपको, सूरज नहीं निकला है अभी। हाँ जी, तो आज मॉर्निंग नाश्ते में है मूंग दाल चीला। तो रात को मैंने मूंग दाल भिगो दी थी और बहुत ही अच्छे से इसको दही के साथ मैंने मिक्स करके और बारीक सा पीस लिया है। और ये सिंपल चीला है, थोड़ा थिक बनेगा, टूटने का डर नहीं रहेगा जो आप इसमें थोड़ा सा पनीर डालेंगे, और आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा। तो हाँ जी देखिए, और कैल्शियम की भी कोई कमी नहीं होगी। इस वक्त मैंने थोड़ी सी सब्जियां कट की थी जिसमें शिमला मिर्च, अनियन और ये ग्रीन अनियन डाले थे, और थोड़ी सी कैरेट डाली थी। आप बीन्स वगैरह डाल सकते हैं, और भी कुछ फ्लेवर चाहिए तो डाल सकते हैं। कैबेज कम खाएं और गोभी तो बिल्कुल ना खाएं इस वक्त में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हाँ जी, तो ये सब कुछ डाल के मैंने चीला रेडी कर लिया है। ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी ये ज़रूर बताएं। और आपको डाइट फूड कुछ समझ में आ रहे हैं और आपको चाहिए कि सब्जी भी मैं बनाऊं बिना ऑयल के, तो वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक यू।